इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में बैंक, रेलवे, एसएससी टाइप एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिलोर और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूँ। और यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इस बड़े नंबर से इन तीनों नंबर को माइनस करना है। तो देखिए, अगर माइनस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकते हैं, इसलिए हम लोग प्लस करेंगे। तो कैसे, इन तीनों में से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस एंड प्लस, इन तीनों को प्लस कर सकते हैं। अब दोस्तों, माइनस से ज़्यादा प्लस हम लोग बहुत तेजी से कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग प्लस एट फर्स्ट करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपली 58.621 माइनस, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो 13.829 प्लस 7.302 प्लस 1.214 करेंगे तो 58.621 पहले, और इन तीनों को ऐड करके 22.345। तो आप माइनस कीजिए, तो इस तरह से इस टाइप क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही जल्दी निकल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली आप देखिए, तीनों में 4.7, 4.7 एंड 4.7 कॉमन है, तो सिंपली यहाँ पर 4.7 कॉमन लेंगे एंड इन तीनों को ऐड कर दीजिए 13.23, 9.45 प्लस 77.34, यानी कि यहाँ पर 13.23 प्लस 9.43 प्लस 77.34। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो सिंपली यहाँ पर 4.7 इंटू इन तीनों को ऐड करके 100 होगा, जो कि यहाँ पर आंसर होगा 470 का आंसर। अब इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 × 0.1 × 0.001। तो इस टाइप क्वेश्चन में सिंपली एट फर्स्ट क्या करना है कि पॉइंट इग्नोर करके आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करना है पॉइंट इग्नोर करके। तो 1 × 1 × 1 × 1 कितना 1। अब दोस्तों देखिए कि पॉइंट कितना अंक के आगे पॉइंट है, तो सिंपली यहाँ पर 1 को पीछे लिख लीजिए। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 अंक के आगे पॉइंट है तीनों मिला के, तो सिंपली यहाँ पर 6 अंक, जो कि एक अंक 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6 उसके आगे पॉइंट बैठा दीजिए, तो आपका आंसर होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 25.025 / 0.025, तो यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट दोनों का पॉइंट उठा दीजिए। तो यहाँ पर आ रहा है 25.025 / 25। अब इसको सिंपली आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 25 × 1 = 0 करेंगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा ये आंसर। तो देखिए यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 25 से अगर आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 0 = 0, तो सिंपली यहाँ पर 4 अंकों का है और यहाँ पर 5 अंकों का है, इसीलिए मिडिल में और एक 0 बैठना है, तो सिंपली आपका आंसर होगा 1001, जो कि आपका आंसर है। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 4.53 - 3.07 का स्क्वायर। देखिए 4.53 - 3.07 और इसमें भी है। अब मान लीजिए 4.53 - 3.07 ए मान लीजिए ए, एंड तब यह क्या होगा ए का स्क्वायर, और यहाँ पर 3.07 - 2.15 मान लीजिए बी, यानी कि बी का स्क्वायर। अब इसको मान लीजिए सी, तो देखिए यहाँ पर बी क्या है 3.07 - 2.15 यानी कि 3.07 - 2.15 यानी कि बी, और ए आ रहा है सी, इसी तरह ए आ रहा है सी, और ए आ रहा है ए, इसी तरह देखिए ए का स्क्वायर अपॉन बी इंटू सी प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन
सी इंटू ए, सी इंटू ए प्लस यहाँ पर सी का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए एंड यहाँ पर बी यानी कि ए इंटू बी। आप सिंपली इन तीनों को ऐड कीजिए तो होगा यहाँ पर नीचे का एलसीएम होगा ए बी सी जो कि तीनों में कॉमन है। अब देखिए बी सी और यहाँ पर आ रहा है ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर इंटू बी, बी क्यूब प्लस सी स्क्वायर इंटू सी, सी क्यूब। अब एलजेब्रा का एक फॉर्मूला है कि अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी लिख सकते हैं। तो हम लोग को चेक करना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है क्या। तो देखिए a कितना है 4.53 माइनस 3.07 प्लस यहाँ पर b कितना है 3.07 माइनस 2.15 और यहाँ पर c प्लस 2.15 माइनस 4.53। अब देखिए माइनस 4.53 प्लस 4.53 माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो कि जीरो आ रहा है तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ रहा है थ्री ए बी सी अपॉन ए बी सी, ए बी सी ए बी सी कैंसिल एंड आ रहा है थ्री जो कि आपका आंसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।